नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आज भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला होता है वो हाई इंटेंस मुकाबला होता है, पर आज का मुकाबला सही मायने में सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि भारत के लिए मैच सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर भारत की टीम आज का मुकाबला हार जाती तो भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि क्या भारत की टीम पाकिस्तान की टीम को आज हरा सकती है, नहीं हरा सकती, उसको लेकर इस पर बात करेंगे, और क्या है भारत का सेमीफाइनल में जाने का रास्ता, इसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही, वहीं दूसरी तरफ भारत की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। 58 रनों से भारत की टीम को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से रन रेट जो है भारत का -2.9 में जा चुका है, यानी कि जो रन रेट है वो पूरी तरीके से एकदम नीचे जा चुका है, और भारत के लिए अब बचे हुए मुकाबले सभी जीतने पड़ेंगे। बचे हुए मुकाबले किस किस के साथ है? एक आज मुकाबला है पाकिस्तान, दूसरा मुकाबला देन उसके बाद 9 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ, देन उसके बाद भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और इन सभी मुकाबले को जीतना होगा अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जाना होगा। और आज का मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान वही टीम है जिसको भारत ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में 7 विकेट से हराया था, ऐसे में चांसेस अच्छे हैं। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए, अभी तक भारत और पाकिस्तान ने 15 बार आमना सामना हुआ इन दोनों का, और दोनों ने 15 मुकाबले खेले, जिसमें से 13 मुकाबले भारतीय वुमेन्स टीम ने जीते हैं। तो देखो, रिकॉर्ड तो कह रहा है कि भारत का पलड़ा भारी है, चाहे वुमेन्स हो या फिर वुमेन्स टीम, हर जगह पर भारतीय टीम का पलड़ा जो है भारी है। पर सवाल यही है कि हमारी जो बल्लेबाजी है पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप रही थी, 15 रन से ज्यादा किसी ने भी नहीं बनाए थे, और हमने एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाया था जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि वो फायदा नहीं मिल पाया। तो देखना होगा कि आज भारतीय टीम किस टीम के साथ, यानी कि क्या कोई बदलाव करके उतरती है, किस माइंडसेट के साथ उतरती है, किस तरीके से बल्लेबाजी करती है। हमारे पास नाम बड़े बड़े हैं, पर क्या वो काम आज बड़े कर पाएंगे? क्योंकि सिर्फ आज नहीं, आपको आने वाले 3 मुकाबले लगातार जीतने होंगे भारतीय टीम को, अदरवाइज एक बार फिर से हमारा सपना जो है वो टूट जाएगा। मेंस टीम ने तो 17 साल बाद ट्रॉफी जीत ली, क्या पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर भारत के सभी फैंस को एक खुशी दे सकती है? तभी तो क्रिकेट आगे बढ़ेगा, वुमेन्स टीम का तभी तो कद बढ़ेगा, क्यों लोग नहीं देखते? आप जीतो, 1983 से पहले कहां टीम इंडिया क्रिकेट में इतना इसकी बात होती थी। जब 83 वर्ल्ड कप जीते उसके बाद एक लहर आई, हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप आप जीत जाओ और आप जो चाहते हो कि आपको भी लोग स्टेडियम में जाकर देखें, तो ये T20 वर्ल्ड कप ना सिर्फ कप्तान के लिए बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वुमेन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाना है। BCCI सब कुछ कर रही है, सब कुछ दे रही है, पर परफॉर्मेंस अभी तक उस तरीके से नहीं आई, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मिली हार थी वो बहुत बुरी तरीके से हार थी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। हमारी टीम इस पूरे साल, अभी तक पूरे साल उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। आज पाकिस्तान को हराओ, 9 अक्टूबर को आप हराओ श्रीलंका को, देन उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जाओ, फिर उसके बाद आपको पता आपको क्या करना है। पर आज का मुकाबला पाकिस्तान से, पर पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेल रही है, पहला मुकाबला अच्छे तरीके से जीती थी, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हरा ही देंगे, पर इस समय एक्चुअल में देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा कोई टीम प्रेशर में होगी वो पाकिस्तान नहीं, बल्कि इंडियन टीम इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर में होगी। अब देखना होगा कि आज अच्छी क्रिकेट कौन खेलता है, क्या हरमनप्रीत, सैफ अली वर्मा और हमारे जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाती है नहीं कर पाती, ये देखना दिलचस्प होगा। पर आप सभी को क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।